नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। और मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया एक अर्जेंट वर्क का एप्लीकेशन। जैसे आपके सामने एक पर्सन होगा, यू आर मोहित, आपका नाम मोहित है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट वर्क, यानी आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अर्जेंट वर्क से संबंधित। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम शुरुआत में लिखते हैं तारीख। अब जैसे आज हो गई 15 नवंबर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 नवंबर 2023। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है। इसके बाद में हम संबोधित किसे कर रहे हैं, यानी अगर आपके स्कूल में 10th क्लास तक है तो हेड मास्टर करेंगे, अगर आपके स्कूल 12वीं क्लास तक है तो प्रिंसिपल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा द हेड मास्टर, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया NBSK स्कूल जयपुर। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी जो आपका विषय क्या है, जो आपका पर्सन होगा उसमें सब्जेक्ट दे रखा होगा, यानी या तो 4 से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट या 2 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ से उतार लिया फॉर एन अर्जेंट वर्क, यानी अर्जेंट वर्क से संबंधित एप्लीकेशन है। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको लिखना सर या मैडम। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर या मैडम, यानी अगर आपका हेड मास्टर सर है तो सर कर देंगे, अगर मैडम है तो मैडम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको एक लाइन याद कर लेनी है, वो उतार लेना पहले, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। ठीक है, इसके बाद में आई एम मोहित लिखा मैंने, यहाँ पर क्या लिखा, आई एम मोहित, जो पर्सन में दे रखा था यू आर मोहित, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम मोहित, मेरा नाम मोहित है, टूडे आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, यानी आज मेरे घर पर आवश्यक कार्य है। देखते हैं, सो इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। फिर आगे लाइन लिखेंगे, प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इसमें लीव यानी होता है छुट्टी प्रदान करना। ठीक है, और इसमें कितने दिनों की बात हो रही है, 2 दिन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, और डेज एक वचन नहीं है बहुवचन है, इसलिए एस लगा दिया। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आगे लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में लिखेंगे योवर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो आपका नाम दे रखा होगा हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, यानी इसमें नाम दिया था मोहित का, तो मैंने भी यहाँ पर नाम लिख दिया मोहित, है ना। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से एक अर्जेंट वर्क का एप्लीकेशन लिखना सीखा। एप्लीकेशन क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।